IAS इंटरव्यू क्वेश्चंस 2024। इस परीक्षा को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को बहुत मेहनत करना होती है, लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू की तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल पूछना शुरू करते हैं। दिन में दो बार गायब होने वाला मंदिर कौन सा है? कैंडिडेट बोलती है, सर स्तंभेश्वर नाम का मंदिर दिन में दो बार सुबह और शाम को पल भर के लिए ओझल हो जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, उस जीव का नाम बताइए जो एक बार सोने का बाद दोबारा नहीं जागती है। कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बताती है, सर चींटी एक ऐसा जानवर है जो एक बार सोने के बाद दोबारा नहीं जगती। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, कौन से देश के आधे भाग में सुबह और आधे भाग में शाम होती है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बताती है, सर रूस देश के आधे भाग में सुबह और आधे भाग में शाम होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर फिनलैंड देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, भारत का कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर भूटान देश थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर नाइट्रोजन का उपयोग हवाई जहाज के टायर भरने के लिए किया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, एक लड़का एक लड़की के साथ ऐसा क्या करता है कि लड़की रो पड़ती है? कैंडिडेट जवाब में कहती है, सर इसका उत्तर होगा शादी। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, वह कौन सा देश है जहां पर सुअर का नाम नेपोलियन रखना गैरकानूनी है? कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, सर फ्रांस में सुअर का नाम नेपोलियन रखना गैरकानूनी है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना और साथ में ये भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो किस शहर तक जा रही है। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम पहन भी सकते हैं और खा भी सकते हैं? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, लौंग ऐसी चीज है जिसे हम पहन भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, भारत की धरती पर सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर भारत की धरती पर सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, फ्लिपकार्ट कौन से देश की कंपनी है? कैंडिडेट सवाल का जवाब देती है, सर फ्लिपकार्ट भारत में स्थित एक ई कॉमर्स कंपनी है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, एक आदमी एक ही दिन में दो शादियां की और कोई बवाल नहीं हुआ, आखिर कैसे? कैंडिडेट बोलती है, सर क्योंकि यह एक पंडित है जिसने शादी करवाई है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में महिलाओं को विश्व कप का मैच देखना बैन है?
कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है, सर ईरान वो इकलौता देश है जहां की महिलाएं वर्ल्ड कप का मैच नहीं देख सकती हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? कैंडिडेट बोलती है, सर सुभाष चंद्र बोस वह व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, ऐसा कौन सा काम है जो हम भारत में दोबारा नहीं कर सकते हैं? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर आधार कार्ड को दोबारा भारत में नहीं बनवा सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, भारत में सबसे पहले ठंडी की शुरुआत कहां से होती है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर भारत में सबसे पहले ठंडी की शुरुआत लेह से होती है। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बताइए महात्मा गांधी जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है, सर महात्मा गांधी जी का जन्म वैश्य परिवार में हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से एक विशेष सवाल करते हैं, आसमान से बिजली क्यों गिरती है? कैंडिडेट बोलते हैं, सर कभी कभी जब लोग घर से बाहर होते हैं और मौसम खराब हो जाता है तो वो अक्सर पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा करना चाहिए? वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार 1872 में बिजली चमकने का सही कारण बताया था। उन्होंने बताया कि आसमान में बादलों में पानी के छोटे छोटे कण होते हैं जो वायु की रगड़ के कारण आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कुछ पर निगेटिव। जब दोनों तरह के चार्ज वाले बादल एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो उनके मिलने से लाखों वोल्ट की बिजली पैदा होती है। कभी कभी यह बिजली इतनी ज्यादा होती है कि पृथ्वी तक पहुंच जाती है। इसे ही बिजली का गिरना कहते हैं। जब बिजली गिरती है तो अक्सर जानलेवा साबित होती है। बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा खेतों में काम करने वाले, पेड़ों के नीचे खड़े होने वाले, तालाब में नहाते समय और इसके अलावा मोबाइल फोन सुनने वाले व्यक्ति पर ज्यादा रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मोबाइल फोन से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, जो आसमानी बिजली को अपनी ओर खींचती हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से आखिर में एक सवाल पूछते हैं, जो आपको बताना है, भारत के राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना और साथ में ये भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो किस शहर तक जा रही है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।